healthy to drink water, but how much do you really need to drink per day? Ruksha, 8 glasses of water in a day, I've heard. Is it real or is it a myth? Let's find out. From our early childhoods, we've been told to drink ample amount of water. Sometimes, even specifically, 8 glasses of water per day. So true, Ruksha. Mujhe bhi yeh sikhaya gaya tha. Actually, is baat ka origin 1945 ke National Research Council Food and Nutrition ke ek publication se hua tha, jisme yeh bataya gaya tha ki ordinary standard ke hisab se 1 calorie of food ke liye hame 1 ml of water ki zarurat padti hai. So that basically translates to if you're consuming 2000 calories a day, you need 2000 ml of water per day. But is that true for everybody across the board? Does everybody need to drink 8 glasses of water per day? We'll hear it from our expert Upasana Sharma. कितना पानी पीना है ये डिपेंड करता है कि आपका वजन कितना है, आप लाइफ के किस स्टेज में हो या फिर आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो. अगर कोई बहुत ठंडी जगह पे रहता है तो उसका पानी का जो सेवन है वो कम होता है, कोई गर्मी वाली जगह पे रहता है तो वो ज्यादा पानी पीता है. उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ लाइफ स्टेज की तो एक प्रेग्नेंट लेडी का फ्लूइड इनटेक ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी के. अगर किसी को कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है जैसे कोई किडनी का इन्फेक्शन है या उसको हाइपोनेट्रीमिया है तो इस तरीके के केसेस में पानी का सेवन जो है हम उसको कम कर देते हैं. तो कितना पानी पीना है वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी के इंडिकेशन पे और वो इंडिकेशन है आपकी इंटरनल थर्स्ट, यानी आपको जितनी प्यास लगे आप उस हिसाब से पानी पीजिए. जितना यूरिन एक इंसान ने पिछले 24 घंटे में पास किया उसमें लगभग 1000 से 1500 ml वाटर मिला दिया जाए तो हमारी नेक्स्ट डे की रिक्वायरमेंट हो जाती है. तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें पानी तभी पीना चाहिए जब हमें प्यास लगी हो. So basically, you should never be feeling that you're being forced to drink the water. And you should use urine as a guide. आपकी urine का color light yellow होना चाहिए. On the other hand, if it's the color of water, you're drinking too much water. But if it is dark yellow or orange, you need to drink more water. तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ plain water आपकी body के सारी water requirement को पूरा कर सके. ऐसी बहुत सारी vegetables हैं, fruits हैं, जिनमें काफी water content होता है. हमें उन fruits and vegetables को लेना चाहिए और खाना चाहिए. Let's hear it from our expert Dr. Rajiv Dang on exactly how fruits, vegetables and other foods we consume substitutes this need for water in our bodies. पानी शरीर में रुके और प्यास हमारी कम हो इसके लिए सादे पानी की बजाय पानी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो तो वो ज्यादा मदद करता है. जैसे नींबू पानी हमारी प्यास बेहतर बुझाएगा, नमक वाली लस्सी ज्यादा प्यास बुझाएगी, कोकोनट वाटर बेहतर मदद करेगा. सिर्फ पानी पानी और प्लेन पानी सारा दिन पीने से हमारे शरीर के कुछ और तत्व जैसे सोडियम बहुत कम हो जाते हैं और वो एक मेजर रीजन बन जाता है प्रॉब्लम्स का. जो 8 ग्लासेस रोज पीने वाली बात है ये एक मिथ है. इसकी बजाय दूध, चाय, कॉफी, नींबू, शिकंजी, कोकोनट वाटर ये भी लिए जा सकते हैं टू मीट माय डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रूट्स. सो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि हम सब की वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और अकॉर्डिंगली हमें पानी पीना चाहिए. In conclusion, it's safe to say that no study has actually ever concluded that you need to drink 8 glasses of water per day. So drink the required amount of water, stay hydrated and stay healthy. For more such Mythbusters, subscribe to our channel Only My Health. Thank you for watching.